दोस्तों, ब्लैक और व्हाइट मनी क्या है? ऐसा पैसा जो लोग सरकार से छुपा कर रखते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जिस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं देना होगा, और अगर टैक्स दिए बिना पैसे का उपयोग किया जाएगा तो इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। चौंका देने वाली बात है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ की जनसंख्या दुनिया के नंबर वन जनसंख्या है, इतने ज़्यादा लोग होने के बाद भी बहुत ही कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं। मुश्किल से 10% लोग ही भारत में टैक्स पे करते हैं। देश की 50% इकोनॉमी ब्लैक मनी से चलती है। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 में इंडियंस ने करीब 9000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा कराया था। सोच सकते हैं आप, 9000 करोड़ रुपए एक कितना बड़ा अमाउंट है, और आज यह 2023 तक कितना बड़ा अमाउंट हो गया होगा और कितना ही ज़्यादा अमाउंट इंडियंस ने स्विस बैंक में जमा कराया होगा। ऐसे ही कई रिकॉर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि ब्लैक मनी की जड़ें कितनी स्ट्रांग है। भारत से मीलों दूर एक देश है स्विट्जरलैंड। ये बहुत ही खूबसूरत देश है प्राकृतिक दृष्टि से। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अच्छी है। लेकिन सुंदरता के अलावा भी एक और चीज़ है जो विदेशियों को यहाँ आकर्षित करती है, वो है स्विस बैंक, जो विदेशियों के ब्लैक मनी को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में कई देशों के अमीर लोग अपनी ब्लैक मनी छुपा कर रखते हैं। एक आम बिजनेसमैन को लगभग 30-40% टैक्स देना पड़ता है। अगर यही GST मिला दी जाए तो यही टैक्स लगभग 50% तक पहुंच जाता है, जो देना कोई बिजनेसमैन सही नहीं समझता या उसके लिए सहमत नहीं होता है 40-50% टैक्स देना। इसी वजह से वह सरकार से अपनी कमाई के आंकड़े छुपाता है। वो सरकार को अपनी कमाई, असली कमाई बताता ही नहीं है, जिससे उससे ज़्यादा टैक्स देना ही नहीं पड़ता। 2010 के बाद भारत में ब्लैक मनी के मामले बहुत ही तेज़ी से सामने आए। इसके बाद सन 2011 में सामाजिक नेता अन्ना हजारे की उपस्थिति में हुए जन लोकपाल आंदोलन के बाद लोगों के सामने ब्लैक मनी के आंकड़े सामने आने लगे। उसके बाद मोदी सरकार बनी और उन्होंने ब्लैक मनी के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की बात कही, और उन्होंने कुछ कदम उठाए भी। उन्होंने नोटबंदी की, जिससे कुछ हद तक ब्लैक मनी का सफाया हो गया। रिसेंटली उन्होंने 2000 के नोट भी बंद कर दिए, जिससे और भी ब्लैक मनी का यूज़ करने वाले, कंज्यूम करने वाले लोगों को लॉस हो सकता है। दोस्तों, ब्लैक मनी की मैथ समझना आसान नहीं है। ये जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। इसे समझने के लिए कुछ सवालों का जवाब जानना होगा, जैसे कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, हवाला क्या है, एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप जानना चाहते हैं पूरा ब्लैक मनी के बारे में। तो ब्लैक मनी के बारे में और आगे जानने के लिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, हवाला क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल। हम कंटिन्यू इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं और ऐसे ही कई नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।